पीड़ित के कैजुअल्टी की सूचना आ रही है, कब एडमिट हुआ था थोड़ा डिटेल में? इनका जो है, जो ये पहले जो पेशेंट थे इकरामुल हसन, उनके ससुर हैं ये। इनका नाम है अब्दुल अहमद नाम इनका। ये 72 साल के थे और इन्होंने ये जो है हमारे यहाँ 29 तारीख को ये पॉजिटिव आए थे और 29 तारीख से ठीक चल रहे थे। पहले ऑक्सीजन पे थे, ऑक्सीजन से सिचुएशन मेंटेन हो रहा था। कल रात में इनकी ऑक्सीजन गिरने लगी और ये जो है 75% ऑक्सीजन पे मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने 1 बजे रात में इनको वेंटिलेटर लगवाया। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे जो एनेस्थीसिया के जो आईसीयू के जो डॉक्टर होते हैं, उन्होंने ये कहा कि सर इसकी कंडीशन थोड़ी सी और डिटोरेट हो रही है। हमने कहा भाई जो भी मैक्सिमम जो भी चीज़ें हो सकती है वो करिए। तो हम लोगों ने वहाँ पे मेरोपेनम और जितनी भी चीज़ें होती, ये पेशेंट के साथ में कुछ रिस्क फैक्टर भी थे, जैसे इनके डायबिटिक भी थे, इनको क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज़ भी थी और इनको जो है तो ये एज तो है ही, एज फैक्टर तो है ही है कोरोना में, कि कोरोना में जो है जो थोड़ा सा कंप्रोमाइज्ड होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा उनका रिस्क होता है। तो ये जो है रहे और हम लोगों ने करीब जो है 8-8:30 बजे से इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा डिटोरेट होना शुरू हो गई और करीब 11 बजे के आसपास जो है इनकी जो है डेथ हो गई। डिक्लेयर इसी चीज़ सूचना देने में इतना देर 11 बजे? ऐसा था कि चूँकि ये जो है वो कोरोना जो है हम लोगों के यहाँ पहली बार हुआ है, इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो सारे जो प्रिकॉशंस हैं वो भी लेना ज़रूरी है कि कहाँ पे कैसे, जैसे जो बताने के सबके लिए नया है, आपके लिए भी नया है, मेरे लिए भी नया है। गाइडलाइंस आई हैं, गाइडलाइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है हम लोगों ने इसको इनको जो है वहाँ पे बॉडी जिस तरह से प्रोटोकॉल है कि 3 लेयर में बॉडी पैक होती है, उस तरह से बॉडी पैकिंग कराई गई और ये कहा गया कि भाई इसको जो है जो प्रोटोकॉल है उसके तहत इनको किया जाए, तभी मीडिया सोचा। अमरावती से क्या रिलेशन है? ये जो है हमारा सिचुएशन है कि जो ये इकरामुल हसन है, जो पहले जो नोडल हैं, जो मेन केस है, इंडेक्स केस है, वो केस जो है वो अमरावती से में रहते थे वो। उसके बाद वो अमरावती से वो रहने वाले खुर्जा के हैं, वहाँ से यहाँ पे इनकी ससुराल है, यहाँ पे कौन सी जगह है वो ससुराल हुमायूं नगर में शायद, वहाँ पे ससुराल हैं इनकी। तो वहाँ पे आए, वहाँ पे रहे और इन्होंने किसी को बताया नहीं। उसके बाद इनके जो इनके साथ 3 जगह साले रहते थे, 3 इलाके में जो इलाके सील किए गए हैं वो 3 जगह गए। उस चक्कर में इनके वजह से बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो गए। वो सीमो साहब को बताएंगे कितने ज़्यादा इन्फेक्ट हो गए, बहुत डॉक्टर सीमो साहब को बहुत सर्विलेंस करना पड़ा और ये अनफॉर्चुनेट हमारी डेथ हुई, हमारे यहाँ डेथ हुई है। और हम लोग कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं, हमारे सारे डॉक्टर पूरी तरह से लगे हुए हैं और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि बिल्कुल जो है जो भी प्रोटोकॉल बिल्कुल जो गवर्नमेंट के हैं या जो मेडिकल ICMR से आ रहे हैं, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, हम लोग सब एक एक उसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा जी, इनकी बॉडी है और उस बॉडी का किस तरीके से क्रिमिनेशन होगा या क्या करना है? बॉडी का जो वो है उसके प्रिपरेशन जो है वो इस तरह से है करके कि जो बॉडी बैग होता है उसको उसमें डाल के उसके बाद उसको 3 लेयर में कर करके और फिर वो बॉडी जो है वो पुलिस के पास जाएगी। फिर पुलिस जो है वो अपने लेवल पे परिजनों से बात करके जो भी उनकी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से डिस्पोज। क्या गाइडलाइन आई हुई है किस कोरोना के पेशेंट का किस तरीके से? देखिए ऐसा है कि कोरोना गाइडलाइन ये है कि जो जिस धर्म का है वो रिचुअल के साथ वो कर सकता है, लेकिन उसके साथ ये है कि उसमें जो क्रिमेशन या जो आपके वो जो होता है जो दफनाया जाता है उसमें जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ना जाएं। उसमें 5 मतलब मैक्सिमम 20 की लिमिट है, लेकिन प्रेफरेबली जितने कम से कम जाएं उतना अच्छा है।